अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोगों ने रेडियोलॉजी में जो अगला टॉपिक स्टार्ट करना है वो मेमोग्राफी है। बहुत ही आसान से टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन आता होता है आपका बहुत कॉमनली। कभी कभार हम आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, इस तरह से आता है कि डायरेक्टली आपको बताते हैं मतलब क्वेश्चन में कि ये मेमोग्राफी करानी है, तो आपसे पूछते हैं कि इसके स्टेप्स बता दें प्रोसीजर के, एंड देन दे से कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द रिस्क्स या लिमिटेशंस। ठीक है, ये एक होता है तरीका। एक तरीका ये होता है कि आपको बताते हैं कि फीमेल आई थी आपके पास जिसको कोई साइन था, यानी लंप फील हो रही थी ब्रेस्ट में या कुछ ऐसा, जो भी मतलब उसको कोई ना कोई एक साइन आपको बता देंगे। उसके बाद कहेंगे कि हमने पहले उसका ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड किया था, या फिर वो कहते हैं कि हमने उसका अभी कोई टेस्ट नहीं किया, तो आप क्या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या बताए चाहेंगे करना, और क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन सेफ है या नहीं है। व्हाट इज द चांस कि अगर इस फीमेल की एज जो है वो 30 से कम होगी तो आप यही वाली इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे या नहीं करेंगे, एंड व्हाट आर द रिस्क्स। मतलब ये सारे ही क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपसे पूछते हैं, तो मैं आपको वो सारे के आंसर जरा एड्रेस कर देती हूँ। तो आपने सबसे पहले तो याद रखना है कि मेमोग्राफी, आपको बताया कि इट इज बेसिकली ग्राफी का मतलब है कि जाहिर है कोई आप इसी तरह का जिस तरह एक्सरेज में आप कहते हैं रेडियोग्राफी है, उसी तरह से इसमें भी कोई पिक्चर बन के आएगी। और मेमो का वर्ड हम ज्यादा ब्रेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली दिस इज एक्सरे ऑफ अ ब्रेस्ट, लेकिन डिफरेंट होता है नॉर्मल कन्वेंशनल एक्सरे से, बिकॉज इसमें बहुत लो डोज एक्सरेज की इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, तो आप ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस लेवल पे भी नहीं पता होता कि मेमोग्राफी में क्या कौन सी रेडिएशन इस्तेमाल हो रही है, तो आपकी एक्सरेज ही इस्तेमाल हो रही है। प्लीज रिमेम्बर, सिर्फ फर्क ये है कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्सरे इमेजिंग जिसमें आप बहुत लो डोज एक्सरेज की इस्तेमाल करते हैं। और वैसे तो नॉर्मली जितने भी एक्सरेज हो रहे होते हैं उसमें मैंने बताया कि दूर होता है पेशेंट और पीछे से, मतलब यहां पर सपोज जिस तरह मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इधर अगर मरीज खड़ा हुआ है तो यहां से एक्सरेज आ रही होती है और इधर प्लॉट हो रही होती है, मतलब दूर से आती है। यहां इस केस में जब मेमोग्राफी करते हैं तो आपने क्या करना होता है, क्योंकि सारा ब्रेस्ट है ना, ब्रेस्ट टिश्यू की करनी है, ब्रेस्ट टिश्यू सारा फैट है, हमने देखना है कि जो फैटी स्ट्रक्चर आपको पता है सारा पैरेन्काइमा जो बना हुआ है ब्रेस्ट का फैट से बना हुआ है, तो हमने देखना है कि सॉरी जो स्ट्रोमा बना हुआ है तो हमें देखना है कि उसके अंदर जितना भी ग्लैंडुलर एलिमेंट है, जो उसके अंदर का सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो बनी हुई है, उसके चैनल्स बने हुए जो जिनमें आपको पता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, हम उनको देखना चाह रहे हैं। तो अगर हम दूर से एक्सरेज फेंकेंगे जिस तरह हम चेस्ट एक्सरे के लिए फेंकते हैं, तो वो ब्रेस्ट के टिश्यू को हमें डिलिनिएट करके नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो सारा फैटी टिश्यू है और फैटी टिश्यू एक ही तरह का नजर आएगा। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए जरूरी होता है कि आप एक्सरे की बीम को ब्रेस्ट टिश्यू के बिल्कुल करीब लाएं, मतलब अगर ये आपका ब्रेस्ट टिश्यू है तो आप एक्सरे की बीम क्या करते हैं कि इस ब्रेस्ट टिश्यू को कंप्रेस किया जाता है, मतलब ये अगर आपकी ब्रेस्ट है तो इसको ऐसे कंप्रेस करते हैं, एक इधर आपकी होती है ऐसे लंबी सी बोर्ड टाइप चीज होती है, एक बोर्ड टाइप चीज नीचे होती है, दोनों मिला के ऐसे कंप्रेस कर देती है ब्रेस्ट टिश्यू को, और फिर बहुत लो डोज एक्सरेज की जाती है। कंप्रेशन जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी एक्सरे की पिक्चर आएगी, क्योंकि उतना ही ज्यादा आपका जो टिश्यू है वो आप समझ लें कि ऐसा हो जाता है कि जैसे बिल्कुल प्लेन टिश्यू है और उसमें से फिर एक्सरेज से इमेज बहुत अच्छी आती है। तो ये इसका बेसिक तरीका होता है। ठीक है, और मजीद क्या होता है कंप्रेशन से, कंप्रेशन से दो फायदे होते हैं, एक तो जो सॉफ्ट टिश्यू की जो फैटी लेयर है वो जरा आपकी सारी की सारी ऐसे सिंगल और थिन हो जाती है, और दूसरा फायदा ये होता है कि जो उसकी मोशन थी ना, आपको पता है कि वैसे ब्रेस्ट आर मोबाइल स्ट्रक्चर्स, मतलब मोबाइल इन दैट सेंस कि वो थोड़े थोड़े से हिल सकते हैं इस तरह से, तो मोशन की वजह से ब्लर हो जाती है इमेज। तो जब आप कंप्रेस कर देंगे उसको अच्छा सा तो वो मोशन रुक जाएगा और वो मोशन ब्लर जो हो रही थी वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इस इमेज इस तरह से भी कंप्रेस करना होता है, फिर आप इस तरह से भी उसको वर्टिकली भी कंप्रेस करते हैं ब्रेस्ट टिश्यू को और इमेज लेते हैं, और एक आप इसको कंप्रेस करते हैं ऐसे ऑब्लिकली। ठीक है, मतलब ये आपके होते हैं। तो इसी तरह से हम कहते हैं ना कि हमने कौन कौन सी इमेजेस लेनी है, तो जो आपके इसकी इमेजेस आती है, एक आता है क्रेनियो कॉर्डल व्यू जिसको सीसी व्यू कहते हैं, और एक होता है मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू। तो आपने याद रखना है, ठीक है, सीसी व्यू क्रेनियो कॉर्डल व्यू होते हैं एंड मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू, ये तरीका है। बस आपने इसका प्रिंसिपल याद रखना है, बहुत जरूरी है जो मैंने आपको बता दिया कि एक्सरेज है लो डोज है और फायदा ही होता है। अब एक्सरेज को होता है कि हम दो तरीके से मेमोग्राफी दो वजह से करते हैं, हम एक तो स्क्रीनिंग करते हैं और दूसरा डायग्नोस्टिक पर्पजेज है। स्क्रीनिंग का मतलब ये कि आपने बहुत ज्यादा सुना है आजकल भी और हर वक्त ही कैंपेन चल रही रहती है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स का एक ऐसा कैंसर है विच इज इजिली प्रिवेंटेबल, एक तो प्रिवेंटेबल भी है और है तो जल्दी डिटेक्ट होके वो टोटली क्योरेबल है। तो जो चीजें क्योर नहीं हो सकती उनके लिए इतना शोर भी नहीं डाला जाता, लेकिन जो चीजें अर्ली स्टेज पर डायग्नोस होके बिल्कुल 100% क्योर हो सकती हैं उनके लिए वो लोग ज्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट एडवाइज करते हैं, ताकि पेशेंट्स की लाइफ क्वालिटी को और मॉर्बिडिटी को कम से कम, लाइफ क्वालिटी बेहतर बनाई जा सके, मॉर्बिडिटी कम से कम की जा सके। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि आप 100% ट्रीट कर सकते हैं अगर टाइमली डायग्नोस हो जाए। इसी वजह से कहते हैं कि ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है,
टॉपिक से हटके बात है, लेकिन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर फीमेल को खुद से करनी आनी चाहिए, इवन मेल्स को भी, क्योंकि जाहिर है अगर बेशक उनमें ब्रेस्ट वेल डेवलप्ड नहीं होती लेकिन दे कैन हैव सीए ऑफकोर्स, तो इस वजह से उन्हें भी आनी चाहिए, तो लेकिन फीमेल्स को तो जरूरी है। और उसके साथ साथ आपकी ब्रेस्ट स्क्रीनिंग, अब जो क्राइटेरिया उसमें कहा जाता है कि हर 45 इयर्स प्लस की फीमेल को तो जरूर अपनी स्क्रीनिंग करानी है। अब स्क्रीनिंग अब होता है कि हर एसिम्टोमेटिक फीमेल में होती है, जिसको किसी भी किस्म का ना कोई लंप फील हो रहा है, ना कोई निपल डिस्चार्ज है, ना कोई पेन है, ना कोई ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है, कुछ भी नहीं है, बस खाली एसिम्टोमेटिकली शी वॉन्ट्स टू गेट स्क्रीन, तो उसका आप मेमोग्राफी से स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन टेस्ट है, जो कि लीस्ट इन्वेसिव है, जो कि इजीली अवेलेबल है, जो कि इनएक्सपेंसिव है, जो कि हैजर्ड सबसे कम देर है, बहुत लो डोज एक्सरे की है, बहुत आसानी से हो जाता है, और आपकी स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स इसमें बहुत अच्छे आते हैं, मतलब काफी हद तक इसमें आपको चीजें डिटेक्ट हो जाती है जो कि वैसे नहीं पता चलती, तो ये इसके फायदे आ जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनिंग जो आपका जाहिर है मैंने बता दिया आपको एसिम्टोमेटिक फीमेल्स के लिए हो जाए डायग्नोस्टिक पर्पजेज में है, वो यही कि आपकी जो फीमेल सिम्टोमेटिक है, यानी उसको या तो कोई लंप फील हो रहा है या निपल डिस्चार्ज है या कोई भी सिम्टम है, वो जब करेगी तो उसको हम डायग्नोस्टिक कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद आपकी अगर स्टेप्स की बात की जाए तो थोड़ा थोड़ा सा आपने मोटा मोटा सा बस लिखना है उनके बारे में। सबसे पहले आपने फीमेल को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है मेमोग्राफी से पहले। द रीजन इज कि मेमोग्राफी में आप जब ब्रेस्ट को कंप्रेस करते हैं ना, तो आप काफी ज्यादा कंप्रेस करते हैं, विच इज स्लाइटली पेनफुल टू द फीमेल, बहुत ज्यादा नहीं स्लाइटली, तो वो ना एकदम से उनकी एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आपने उन्हें पहले बताना होता है कि हम इस तरह से इसको कंप्रेस करेंगे और इससे हल्का सा हो सकता है कि आपको महसूस हो दर्द, लेकिन उससे आपने घबराना परेशान होना नहीं है, ताकि वो एंजाइटी के मारे ये ना हो कि बाद में उछल पड़े कि टेस्ट ही ना करे। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना जरूरी है। उसके बाद आपने फीमेल को एक प्रॉपर पोजिशन में बिठाना है, प्रोपोजिशन जाहिर है जहां पर आपने एक्सरे की ये चीजें और सामान आपका जिधर सेटिंग हुई होगी उसके साथ ही आप करीबी फीमेल को बिठाएंगे, और जो कुछ भी उसने कोई भी फॉरेन बॉडी आसपास होगी वो आप रिमूव कर देंगे। फॉरेन बॉडी मतलब कोई नेकलेस है, जो कुछ भी है, ये होगी पोजिशनिंग। पोजिशनिंग के बाद आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपने कंप्रेशन करनी है इस पोजिशन में, इस पोजिशन में, इस पोजिशन में, और जितनी कंप्रेशन अच्छी होगी उतना रेडिएशन से एक्सपोजर ज्यादा होगा ब्रेस्ट का, उतनी अच्छी इमेज आ जाएगी। आखिरी है जी आपकी एक्सपोजर सेटिंग, मतलब आपने कंप्रेशन कर दिए, उसके बाद आप जाहिर सी बात है कि एक्सपोज करेंगे फीमेल को विद एक्सरे, यानी आप एक्सरे बीम से उसको जो भी पिक्चर है वो बनवाएंगे, और आपने ध्यान करना है कि आपने दोनों ब्रेस्ट को अलग अलग जरूर इमेज करना है, चाहे फीमेल एक ब्रेस्ट की कंप्लेन के साथ आएगी, मेमोग्राम हमेशा दोनों का किया जाता है, और दोनों व्यूज लिए जाते हैं जो मैंने आपको बता दी, क्रेनियोकॉर्डल एंड ये वाला मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू। अच्छा जी, ये हो गया हमारी इसके स्टेप्स, बस ये पांच आसान से स्टेप्स हैं, ये आपने लिखने होते हैं। ओके, मेमोग्राफिक साइंस सिर्फ ये होते हैं कि आपको पता है कि जाहिर है आपको जब मेमोग्राफी में नजर आता है तो वैसे तो बहुत डिटेल में बात की जाए तो काफी कुछ आप बता, काफी कुछ बताते हैं, क्लासिफिकेशंस होती हैं और इसमें आपको और भी चीजें नजर आती हैं, लेकिन बाहर जो आपने बस इतना याद रखना कि जाहिर है आपने मोटा मोटा से ये देखना है कि आइदर आपको जो चीज अगर कोई डिफरेंट चीज नजर आ रही है तो वो बिनाइन है या मलिग्नेंट है, तो जो भी ये तो नॉर्मल बात है, किसी भी जगह पर जब आपकी बिनाइन मैस होती है तो वो ज्यादातर उसको आपको पता है कि राउंड उसके जो मार्जिन होंगे वो आपके होंगे स्मूथ मार्जिन होंगे, ज्यादातर यही होता है। ठीक है कि बिनाइन मैसेज के जो मार्जिन होते हैं वो स्मूथ होते हैं, ज्यादातर स्फेरिकल होती है, वेल डिफाइंड बॉर्डर होते हैं उसके, ऐसा नहीं होता कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, डिफ्यूज से बॉर्डर्स कभी भी नहीं होते, और उसमें तकरीबन साइज हमेशा बड़ा होता है, मतलब बिनाइन मैस बड़े साइज की भी हो सकती है लेकिन वो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आपकी समझ ही ना आ रहा हो कि मैस कहाँ शुरू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है, तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और ये कहीं भी किसी भी जगह बॉडी में जब मलिग्नेंट मैसेज होती है तो उसमें आपने देखा है कि अक्सर कहते हैं छोटी छोटी मैसेज होंगी लेकिन उनके स्पेक्यूलेटेड एंड्स होंगे और दे आर वेल इल डिफाइंड बॉर्डर्स हैं, डिफ्यूज मार्जिन हैं और स्कैटर्ड ऑल ओवर द एरिया में होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक जनरल सा नोशन होता है, जाहिर है ज्यादा डिटेल में तो रेडियोलॉजिस्ट जानते हैं और उसकी आपकी जरूरत भी नहीं, बस आपने मोटा सा ये बात याद रखनी है। अच्छा, अगर बात की जाए कि यूजेस क्या है या बेनिफिट्स क्या है मेमोग्राफी के, तो मैंने आपको बता दें कि स्क्रीनिंग काफी अच्छी हो जाती है, रेडिएशन एक्सपोजर कम है और इजीली अवेलेबल है, वो सारे जो अभी बोल दिए थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब रिस्क या लिमिटेशन इसकी क्या है, सबसे पहला जो इसका वो प्रॉब्लम होती है ना वो फीमेल की पेन एंड एंजाइटी है, ये आपने सबसे पहले हमेशा लिखना है, क्योंकि अगर किसी ने प्रोसीजर एक्सप्लेन नहीं किया होता ना तो बहुत सारी फीमेल्स है जो इसके बाद बड़ा उन्हें दर्द, मुझे तो पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बड़ा ड्रामा होता है। ठीक है, तो आपने पहले बताना होता है। उसके साथ साथ अगली चीज वही की है, तो एक्सरेज ना कुछ भी हो, लो डोज है, ज्यादा डोज है, तो एक्सरेज एक्सपोजर तो हो रहा है आपका एक्सरे से,
उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन आता है आपका जब कि 36 इयर्स ओल्ड फीमेल या 40 इयर्स ओल्ड फीमेल आई थी आपके पास, आपने उसका मेमोग्राम कर लिया, फिर आपसे कहते हैं कि अगर यही फीमेल 20 इयर्स ओल्ड होती तो क्या आप मेमोग्राफी करते? तो आपने याद रखना है कि 35 से कम की किसी भी फीमेल में मेमोग्राफी इज नॉट सो गुड टू डू, ठीक है? इसीलिए एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट जब हम मेमोग्राफी करते हैं तो 45 प्लस की फीमेल्स में करते हैं, 35 से कम वाली फीमेल्स में फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि उस वक्त ब्रेस्ट होती है बहुत ज्यादा ग्लैंडुलर, 35 से कम की जो फीमेल्स होती है ना उनमें ब्रेस्ट इज हाईली ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर का मतलब ये है कि उसके अंदर जो आपके ये आपको पता ना ये सारे डक्ट्स और ग्लैंड्स हैं ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, तो जब बहुत ज्यादा ग्लैंड्स होते हैं ना तो उसमें आप जब एक्सरेज पास भी करते हैं तो वो ग्लैंड्स की वजह से आपको अंदर कोई भी पैथोलॉजी नजर ही नहीं आ पाती। मतलब आप समझ लें कि एक आपको ये बात तो समझ में आती है ना कि सपोज अगर किसी की हम कहते हैं कि ब्रेस्ट बहुत डेंस होती है, डेंस का मतलब है कि कुछ लोग होते हैं ना बहुत हार्ड सी होती है, फर्म, बहुत ज्यादा फर्म और डेंस सी, उनके अंदर क्या हम कहते हैं कि फाइब्रोसिस का प्रोसेस और बहुत ज्यादा हुआ होता है, इस वजह से हम उनकी ब्रेस्ट को सही से विजुअलाइज नहीं कर सकते। आप यही समझ लें ग्लैंडुलरिटी के बारे में भी कि 35 से कम की ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर एलिमेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, इतना ज्यादा होता है कि उस सारी ब्रेस्ट को ना भरा होता है तो एक्सरेज उसको डिलीनेट नहीं कर पाती, तो इसलिए बस 35 से कम की फीमेल्स में आप मेमोग्राम नहीं सजेस्ट करते, आप बाकी टेक्निक्स देख लेते हैं ज्यादातर लेकिन मेमोग्राम पे आप रिलाई नहीं करते। तो आपने ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है? फिर आपसे जब क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं कि इज दिस अ सेफ प्रोसीजर और नॉट, तो यस दिस इज अ सेफ प्रोसीजर बिकॉज बहुत लो डोज एक्सरेज की दे रहे हैं एंड नॉन इन्वेसिव है, तो आपने ये लिखना होता है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा रिस्क में आपको बताई थी, तो 35 से कम में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, उसके अलावा अगर आपका मेल ब्रेस्ट है या फिर किसी की ब्रेस्ट बहुत छोटी है स्मॉल साइज में तो उसमें भी करना काफी मुश्किल हो जाता है, किसी की बहुत लार्ज साइज है यानी बहुत फर्म ब्रेस्ट है तब भी करना मुश्किल हो जाता है जैसे मैंने भी आपको बताया। उसके साथ साथ अगर इसका रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है तो जाहिर सी बात है फिर आपको लंबे चौड़े मजीद इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़ता है जो कि आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पेशेंट के लिए भी, तो ये उसकी थोड़ी सी रिस्क और लिमिटेशन है, कोई ऐसी मुश्किल सी बात नहीं है, बस इतनी बातें इसके बारे में पूछते हैं जितनी मैंने आपको बता दी, किसी को भी तो कोई मसला है कि ना आसमिन। थैंक यू।